सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान गुरु चैनल को और ये बेल बटन को दबाइए नए नए वीडियो से अपने आप को अपडेट करने के लिए। लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केपी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो रिलेशन है इसको लेके आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है जिसके साथ हर वक्त वर्ब को एडजस्ट करके चलना होता है। अगर सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उसके हिसाब से वर्ब बैठता है। नॉर्मली देखा जाता है स्टूडेंट्स को कि वो एग्ज़ाम में जो गलतियां करते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट गलती ये होता है कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को नहीं बिठाते। टेंस के हिसाब से तो बिठाते हैं लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बिठाते। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। कोई भी सब्जेक्ट को आप देखिएगा ये दोनों प्रकार में से कोई एक होगा। नाउन मतलब है किसी का नाम, प्रोनाउन नाउन के जगह पर यूज होने वाला है कुछ शब्द जैसे ही शी दे देम दिस दोस एटसेट्रा, जो जो है वो प्रोनाउन कहते हैं उनको। तो नाउन और प्रोनाउन जो होता है इनको अगर हम एनालाइज करें, इसको अगर हम ठीक तरीके से देखें तो हम देखेंगे कि कोई भी नाउन और प्रोनाउन या तो फिर सिंगुलर होगा या तो फिर प्लूरल होगा। मतलब नाउन भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, साथ में प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। ओके तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है और ज़्यादातर सभी सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो इनके जो सिंगुलर नंबर है नंबर्स के हिसाब से हम लोगों को वर्ब बिठाना होता है और हम इसके हिसाब से वर्ब बिठाते हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सा क्या क्या वर्ब होता है। तो देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना ज़रूरी है। मतलब ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो गया साथ ही साथ आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा तो वर्ब भी आपका प्लूरल वाला ही बैठेगा। यहाँ पर अगर आप सिंगुलर वाला वर्ब बिठाएंगे तो गलती हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स देके देखते हैं। तो पहला है जैसे समझ लीजिए यहाँ पर मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिए सिंगुलर का। किसी का मैंने नाम दिया है, पहला नाम दिया है राम, दूसरा दिया है नाउन के जगह पर। ये पहला वाला राम क्या है, नाउन है। तो राम राम कितने आदमी है, एक आदमी है। तो इसके साथ एक वाला जो टू बी वर्ब है इज, राम इज या फिर राम वाज, ये बैठ सकता है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास ही और आई। ही है वो और आई हूँ, आई है मैं। ओके तो ये जो ही और आई है दोनों के साथ देखिए सिंगुलर वाला वर्ब जो है ही के साथ इज, आई के साथ एम बैठता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर के जो सब्जेक्ट है राम ही आई ये तीनों के हिसाब से इज एम ये तीन वर्ब्स बैठे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम प्लूरल के एग्जांपल, तो प्लूरल के एग्जांपल में देखिए यहाँ पर दे वी राम एंड श्याम। तो यहाँ पर दे एक प्रोनाउन है, दे आर वी आर। तो ये देखिए दो प्रोनाउंस जो है ये दोनों प्लूरल है, इनके हिसाब से यहाँ पर आर बैठ गया है। लेकिन राम और श्याम ये दोनों प्लूरल हो गए क्योंकि जब देखिएगा किसी का नाम यूज किया जाता है कि राम यहाँ पर एक नाम है दूसरा एक श्याम है, तो राम और श्याम जो है ना ये राम और श्याम इनके साथ आर बैठता है क्योंकि दोनों के बीच में एंड बैठ के ये दोनों सिंगुलर मिल के प्लूरल हो गया। ओके राम और श्याम मिलके क्या हो गया, प्लूरल नंबर। तो इसके हिसाब से हमने आर बिठाया। ओके इज नहीं बिठाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास एक लिस्ट है वो लिस्ट है कि कौन से टेंस के हिसाब से कौन से नंबर के हिसाब से कौन सा वर्ब बैठेगा। हमने पहले टू बी वर्ब्स जो है हमारे पास उनका मैंने यहाँ पर एनालाइज किया हुआ है। जैसे देखिए बाएं तरफ मेरा ये स्क्रीन का पर्सन लिखा हुआ है। पर्सन मतलब लोगों को दिखाता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हम इसको पुरुष बोलते हैं, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब है मैं, आई आई वी, ये फर्स्ट पर्सन है आप लोगों को मालूम है। इसके साथ आई के साथ देखिए आई सिंगुलर है। ओके तो आई के साथ आई एम या फिर आई वाज, पास्ट टेंस में वाज प्रेजेंट टेंस में एम। वैसे ही प्लूरल में वी आर या फिर वी ओयर, प्रेजेंट टेंस में आर पास्ट टेंस में ओयर, वी के साथ बैठता है। सेकंड पर्सन यू, यू के साथ आर पास्ट टेंस में ओयर।
प्लूरल में यू ही होता है, उसके साथ आर बैठेगा प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में आया। थर्ड पर्सन जो होता है ही शी दे देम दीज दोज, ये सारे जो होते हैं इनके साथ क्या होगा, ही या शी या इट के साथ इज होता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर में वाज। अगर एक से ज्यादा इंसानों को समझाया जाता है, जैसे दे वो, ठीक है, वो लोग बोलते हैं ना हम लोग, तो दे इस दे के साथ आर यहाँ पर यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में ओआर। तो ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे और घर पे लिखेंगे तो आपको सुविधा होगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास चार्ट है वो है दोस्तों हैव वर्ब का। तो हैव वर्ब का जो हैव का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, हैज हैव हैड। तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ आई हैव होता है, पास्ट टेंस में हैड होगा, प्लूरल में वी होता है, वी के साथ हैव और पास्ट टेंस में हैड, यू के साथ हैव पास्ट टेंस में हैड। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में ही प्लूरल में आप जाइएगा तो देखिएगा यू के साथ हैव और पास्ट टेंस में हैड। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे ही शी इट के साथ हैज, ही शी इट, ओनली थर्ड पर्सन में हैज होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हैव होगा। तो ही शी इट इसके साथ हैज बैठता है और पास्ट टेंस में हैड। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, उसके साथ हैव बैठेगा और पास्ट टेंस में हैड बैठेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट है वो है पर्सन का ही है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स जो होते हैं हमारे पास, मतलब जो टू बी वर्ब्स नहीं है, ऐसे वर्ब्स के साथ हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन में आई के साथ वर्क और पास्ट टेंस में वर्क्ड, ई डी लगा दिया, वी के साथ वर्क वर्क्ड, सेकंड पर्सन यू वर्क वर्क्ड, यू वर्क वर्क्ड, ही शी इट थर्ड पर्सन जो है उसके साथ वर्क्स, थर्ड पर्सन में एस होता है। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वर्क्स और प्लूरल में जाके दे वर्क। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर थर्ड पर्सन में वर्क यानी कि जो प्ले वर्क, ठीक है, ऐसे वाले शब्द जो होते हैं ना, हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई ये जो वर्क है इसके साथ एस है, मतलब क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन ये गलत है। जब कोई भी वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस, क्या वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस जुड़ता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, ओके। और जब नॉर्मल वर्ब का बेस फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म वर्क प्ले गो रन ये सब कुछ बैठता है तो याद रखिएगा आपका ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ओके। तो ये ध्यान रखने की बात है, ये सिर्फ थर्ड पर्सन में यूज होने वाला चीज है। क्या थर्ड पर्सन में वर्ब के साथ एक एस दिखेगा तो फिर समझ जाइएगा कि ये सिंगुलर है, और अगर थर्ड पर्सन में वर्ब नॉर्मल बैठा है तो मतलब ये प्लूरल है। तो ये चार्ट एक बार में आपको समझ में पूरा नहीं आएगा, बार बार आपको ये रिपीट करके वीडियो को देखना होगा तो ये चार्ट आपको पूरा याद आ जाएगा। घर में लिख सकते हैं आप लोग इसको देख के, या फिर मेरे वीडियो को इसको बार बार प्ले करके इसको समझिए ग्रामर को, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों वो है रूल्स। क्या क्या रूल्स है, देखिए बोलता है पहला रूल के सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर, दिस इज कॉर्नरस्टोन रूल। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब अपने नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, अगर नाउन और प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर इस नियम को क्या कहा जाता है, कॉर्नरस्टोन का नियम बोला जाता है। एक इंसान था कॉर्नरस्टोन, एक ग्रामेटिशियन, उन्होंने ये रूल बनाया था। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है द डॉग ग्रोल्स व्हेन ही इज एंग्री। तो यहाँ पर कुत्ता भौंकता है जब वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो कुत्ता है वो सिंगुलर नंबर है इसीलिए इज बैठा है, ओके। लेकिन अगर मैं बोलूं कि द डॉग्स, यहाँ पर देखिए द डॉग्स ग्रोल व्हेन दे आर एंग्री, यहाँ पर दो वर्ब्स हमें दिखाता है कि ये प्लूरल है। पहला तो देखिए दो तीन तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस प्लूरल वाला है। पहले देखिए डॉग जो है डॉग के साथ एस लगा है, मतलब ये प्लूरल वाला नाउन हो गया। लेकिन इसके साथ ही जो वर्ब है ग्रोल, ग्रोल देखिए इसके साथ एस नहीं है,
तो मैंने क्या सिखाया था कि आपका अगर वर्ब के साथ एस लगता है तो ये सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब के साथ अगर एस नहीं है वो बेस फॉर्म में है तो फिर ये प्लूरल है। तो यहाँ पर ग्रोल देखिए, ये बेस फॉर्म में है मतलब प्रेजेंट टेंस में, तो ये आपका सिंगुलर है, प्लूरल है सॉरी। और अगर यहाँ पर देखेंगे दे के साथ आर बैठा है, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि ये जो सारे सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब ये द डॉग के हिसाब से ग्रोल हुआ है और दे के हिसाब से आर हुआ है, तो मतलब ये अपने नंबर्स के हिसाब से, नाउन के नंबर्स या प्रोनाउंस के नंबर्स के हिसाब से हर वक्त बार बैठता है। दूसरा नंबर नियम हम देखते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, दे डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। मतलब सेंटेंस में बीच में जो लिखा होता है अटपटा सा चीज, उससे उस शब्द से आप घबराइए मत, और ये कोई महत्व नहीं रखता है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। जैसे द डॉग हु इज च्यूइंग माई शूज इज यूजुअली वेरी गुड। लोग कहाँ पर गलती करेंगे कि अगर ये इज के जगह पर गैप दे दिया किसी ने, किसी एग्जामिनर ने, तो आप लोग क्या करते हैं कि द डॉग हु इज च्यूइंग माई शूज, यहाँ पर शूज ES पढ़ के आप बोलते हैं ना भाई ना, ये तो ES है, ES मतलब टीचर ने सिखाया था कि बेटा प्लूरल होता है। तो ये शूज देख के आप यहाँ पर R लिखेंगे, लेकिन ये गलती होगा क्योंकि ये किसको दिखाया है, एक कुत्ते के बारे में बोला गया है, तो द डॉग इज हो गया यहाँ पर। ओके, बीच वाला पार्ट आप गिनिएगा मत इसको। दूसरा नियम हमारा ये था। तीसरा नियम हम देखते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब यूजुअली डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट। मतलब प्रीपोजिशंस जो बैठेंगे सेंटेंस के बीच में, वो आपके स्ट्रक्चर को, वर्ब के स्ट्रक्चर को कोई तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, उसको बदलेगा नहीं, ठीक है। द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो है कलर्स लिखा है, तो ये खुद एक प्लूरल है, एक कलर नहीं है, बहुत सारा कलर है, और दूसरे में रेनबो दिया है, ये सिंगुलर है, तो पहले प्लूरल है, फिर सिंगुलर है, फिर से आर है। मतलब यहां पर किसको दिखाया गया है, रेनबो को नहीं, बल्कि भाई रेनबो के अंदर जो कलर्स है उनको बोला गया है, तो इसीलिए कलर्स के हिसाब से यहां पर आर बिठा है। ओके, तो ये ऑफ द रेनबो, ऑफ ने किसी तरह से इस वर्ब को चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब यहां पर बैठा है। चौथा नियम देखते हैं, बोला है कि व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विथ दे आर और ही आर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, सो केयर नीड्स टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली। मतलब जब कोई भी सेंटेंस में दे आर और ही आर यूज होता है, बैठता है ये, तो याद रखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद बैठेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द बैलेंस शीट है, ये पहले बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, यहाँ पर देयर है, इसीलिए हर वक्त सेंटेंस में सब्जेक्ट लास्ट में बैठेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड। तो आपने जो पेपर्स मंगाया था वो पेपर्स यहाँ पर है, हियर आर द पेपर्स, यहाँ पर द पेपर्स आर के बाद बैठा है, द पेपर्स यहाँ पर सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट जो नियम है उसको हम देखते हैं, सब्जेक्ट डू नॉट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स इन क्वेश्चंस, मेक श्योर यू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द प्रॉपर वर्ब फॉर्म टू यूज। पहले बोला है कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में वर्ब पहले बैठेगा, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में बैठ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, पहला तो है WH वर्ड वाला क्वेश्चन। WH वर्ड मतलब है हु, व्हेयर, हाउ, व्हेन, हुज, ये सारे जो, जहाँ जैसे यहाँ पर देखिए व्हेयर लगा हुआ है, तो इस व्हेयर के साथ ये WH वर्ड है, इससे बना है ये क्वेश्चन। अगर ऐसा नहीं है तो कभी कभी देखा जाता है कि क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आर यू ए स्टूडेंट, तो मैंने क्वेश्चन किया कि तुम क्या स्टूडेंट हो, इज दिस योर ब्रदर, ये क्या तुम्हारा भाई है, तो ये सारे एग्जांपल्स में आप देखिए, इज दिस योर ब्रदर, आर यू ए स्टूडेंट, इनमें पहले इज या आर, मतलब पहले वर्ब्स यूज हुए हैं। तो जब आप वर्ब को यूज करेंगे क्वेश्चन करते हुए, पहले यूज करेंगे, पहला नियम यह है कि पहले यूज करेंगे,
और उसके बाद सब्जेक्ट्स को यूज करेंगे, और साथ ही साथ वर्ब्स क्या होंगे सब्जेक्ट के हिसाब से बैठेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब बैठेगा। नेक्स्ट जो नियम है हमारे पास भाइयों यह है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे टिपिकली रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब फॉर्म, मतलब दो सब्जेक्ट को जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम कौन सा नाउन बोलते हैं, मतलब जो नाउन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स या कॉम्पाउंड नाउन बोलते हैं उसको। कॉम्पाउंड नाउन जब फॉर्मेशन होता है, कॉम्पाउंड नाउन कैसे होता है, सिंपल से नाउन है जैसे यहाँ पर द काउ है, नेक्स्ट द पिग, तो द काउ एंड द पिग दोनों को जोड़ के एक जैसा बना दिया गया, तो यहाँ पर ये कॉम्पाउंड नाउन है। जब कॉम्पाउंड नाउन होता है किसके द्वारा, एंड शब्द के द्वारा, तो हर वक्त याद रखिएगा आपके इस शब्द के बाद में आर बैठता है, यानी कि प्लूरल वाला वर्ब बैठता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, मतलब इसका उलट भी एक नियम है कि सर आपने सिखाया कि काउ या फिर पिग, मतलब दो नाम के बीच में एंड बैठ गया तो ये कॉम्पाउंड नाउन हो गया, तो कॉम्पाउंड नाउन के बाद हर वक्त प्लूरल वाला वर्ब बैठता है। लेकिन प्लूरल वाला वर्ब तब नहीं बैठेगा जब आपका कॉम्पाउंड नाउन एक दूसरे को मिला के एक शब्द दिखाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के परिपूरक है, ठीक है। ब्रेड बटर के अलावा खाने में कोई मजा नहीं है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं ब्रेड के साथ बटर ही खाते हैं, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के परिपूरक होने के कारण यहाँ पर ये दोनों मिलके एक शब्द होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेड एंड बटर इज, हम क्या यूज करेंगे, इज ए हेल्दी फूड, ओके। तो ब्रेड एंड बटर इज ए हेल्दी फूड, ये ब्रेड एंड बटर खुद एक सिंगुलर हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए द काउ एंड द पिग, एक गाय और एक सुअर, दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, इसीलिए एंड जब यूज हुआ है तो हम बाद में प्लूरल वाला वर्ब यूज करेंगे। समझ में आया आपको? यहाँ पर बहुत सारे नियम है, 20 के करीब नियम है, धीरे धीरे देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 7 नंबर जो हमारे पास नियम है वो है द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, मतलब अगर आपके, देखिए यहाँ पर लिखा है फिश एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश, तो यहाँ पर फिश और राइस दोनों एक साथ मिल के इज हो गया, क्योंकि फिश और राइस स्टेपल फूड है, एक फूड को इंडिकेट कर रहा है, हाँ, चावल और मछली का एक फूड। मैंने ब्रेड और बटर का एग्जांपल दिया था, ब्रेड एंड बटर, ऐसे ही यहाँ पर बंगाली लोग क्या खाते हैं, ज्यादातर फिश और राइस खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फिश एंड राइस इज माई मॉम्स फेवरेट डिश एक डिश हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। समझ में आया? दोनों अगर अलग अलग समझाते, दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों के साथ कोई मैचिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर अलग अलग हम लोग प्लूरल वाला वर्ब यूज करते, लेकिन ये दोनों मिलके एक हो गया है, तो इसीलिए ये सिंगुलर वाला वर्ब बैठा है यहाँ पर। 8 नंबर नियम देखते हैं, इफ वन ऑफ द वर्ड्स ईच एवरी और नो कम्स बिफोर द सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर, मतलब कोई भी वर्ड है ईच एवरी और नो, तो अगर ये यूज होता है तो आपका वर्ब हर वक्त क्या होगा, सिंगुलर होगा। 9 नंबर देखते हैं, इफ द सब्जेक्ट आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब इज सिंगुलर, मतलब अगर दो सब्जेक्ट है आपके पास, मतलब दो नाम है, दोनों नाम को आपको जोड़ना है किसके द्वारा, और नॉर नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन शब्दों के द्वारा अगर आप इनको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा आपको सिंगुलर वाला वर्ब यूज करना है, प्लूरल वाला वर्ब यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, जूही और सविता इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, तो यहां पर जूही और सविता दोनों में से कोई एक, जूही या फिर सविता, जूही और सविता नहीं है, जूही या फिर सविता,
ठीक है, तो दोनों को एक साथ नहीं दिखाया, दोनों में से एक एक को बारी बारी दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। समझ में आया? तो फिर और नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वाला वर्ब भी बिठाते हैं। 10 नंबर नियम देखते हैं। द ओनली टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन फैक्टर्स इनटू द डिसीजन ऑफ द प्लूरल और सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स इन व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट्स लाइक सम, हाफ, नन, मो और ऑल आर फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब इतना बड़ा मैंने पढ़ा तो बोला है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन को कौन फॉलो कर रहा है, कोई भी प्रीपोजिशन फॉलो, प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉलो कर रहा है, और उसमें अगर सम, हाफ, नन, मोर, ऑल ये सारे शब्दों में से कुछ एक यूज हुआ है, तो ये द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये सब्जेक्ट वर्ब को डिक्लेयर नहीं करेगा, वर्ब को तय नहीं करेगा, कौन तय करेगा, ऑब्जेक्ट। जैसे ऑल ऑफ द डॉग इज गॉन, तो यहाँ पर ऑल यूज हुआ है, इसीलिए डॉग के साथ इज हुआ है। ऑल ऑफ द डॉग्स आर गॉन, तो यहाँ पर डॉग्स के हिसाब से इज और आर यूज हुआ है। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं। द सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और टाइम। सिंगुलर वाले फॉर्म जो वर्ब का होता है वो टाइम को दिखाने के लिए भी यूज होता है। फॉर क्वार्टर ऑफ ऑयल वॉज रिक्वायर्ड टू गेट द कार रनिंग, मतलब एक चौथाई तेल जरूरी है इस गाड़ी को चलाने के लिए। तो यहाँ पर एक यूनिट, एक नंबर को दिखाया गया, मेजरमेंट दिखाया गया है, टाइम को नहीं दिखाया, लेकिन एक मेजरमेंट को दिखाया। जब कोई भी ऐसा मेजरमेंट या फिर समय, नाप या फिर समय को दिखाएगा कोई भी वर्ब, तो फिर वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। 12 नंबर पे बोलता है, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर, आइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब इज प्लूरल। अगर सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल, मतलब दोनों सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और दोनों को इन शब्दों के द्वारा जो मैंने बोला है ऊपर उसके द्वारा जोड़ा गया है, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है और इसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड द वर्ड आर कनेक्टेड बाय और नॉर, आइदर, नाइदर नॉर, आइदर और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, यू यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट द वर्ब। तो बोला गया है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, कि अगर आपके इस सेंटेंस में एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा प्लूरल है, तो दोनों को, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है नाउन, हाँ, दोनों को अगर जुड़ा गया है और नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो इनके द्वारा, तो फिर याद रखिएगा सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपका वर्ब तय होता है। जैसे पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, आइदर द बियर्स और द लायन हैज, यहाँ पर देखिए बियर्स पहले यूज हुआ जो खुद एक प्लूरल है, दूसरे में लायन एक आपका सिंगुलर फॉर्म है नाउन का, लेकिन यहाँ पर लायन के हिसाब से ही हैज हुआ है, ठीक है, has escaped from the zoo, तो bears के हिसाब से क्या होना चाहिए था, have होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। Next example देखते हैं कि neither the lion nor the bears have escaped from the zoo, तो यहाँ पर neither use किया है, लेकिन इसके साथ lion जो है वो singular है, bears जो है plural है, तो bears के साथ वाला जो verb है वो have है, क्योंकि bears verb के सबसे पास वाला subject है। तो याद रखिएगा वर्ब का सबसे पास वाला जो नाउन होगा उसके हिसाब से ही आपको वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म तय करना है। 14 वाला नियम, इनडिफिनिट प्रोनाउंस टिपिकली टेक सिंगुलर वर्ब्स, इनडिफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ वर्ब सिंगुलर बैठता है। जैसे एवरीबॉडी वांट्स टू बी लव्ड, सभी प्यार चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, ठीक है, तो
सभी प्यार पाना चाहते हैं, कौन कौन है मुझे मालूम नहीं है, तो फिर इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया ये एवरीबॉडी। कौन कौन है मालूम नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ओके, तो ऐसे वाले शब्दों के साथ क्या होगा, सिंगुलर वाला हर वक्त वर्ब बैठेगा। 15 वाला नंबर, एक्सेप्ट फॉर द प्रोनाउंस फ्यू मेनी सेवरल बोथ ऑल एंड सम दैट अलाउ ऑलवेज टेक द प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ वर्ब्स जैसे फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, इनके साथ क्या होता है कि इन प्रोनाउंस के साथ हर वक्त प्लूरल वाला वर्ब बैठता है। जैसे फ्यू ऑयर लेफ्ट अलाइव आफ्टर द फ्लड, कुछ बच गए हैं इस फ्लड के बाद, हाँ, इस फ्लड के बाद कुछ बच गए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यू जो है, फ्यू के बाद ऑयर हुआ है, ऑयर क्या है, पास्ट टेंस का प्लूरल फॉर्म वाला वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर ये यूज हो गया है। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं हम लोग, इफ टू इन्फिनिटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर दो इन्फिनिटिव्स को एंड के द्वारा अलग किया जाए तो वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर यूज होता है। टू वॉक एंड टू लाफ, तो टू वॉक ये हमने जीरंड और इन्फिनिटिव वाला जो पहला वाला वीडियो हमने बनाया था, कल ही दिखाया था हमने, तो इसमें आप देखिएगा इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं। इन्फिनिटिव है ऐसा वर्ब जिसके पहले टू हो, तो टू वॉक एंड टू लाफ रिक्वायर ग्रेट स्किल, तो यहाँ पर ये यूज हुआ है। नेक्स्ट व्हेन जीरंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस दे टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, बट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म। मतलब बोला है कि जीरंड जब यूज होता है सेंटेंस में तो उसके साथ हर वक्त सिंगुलर वर्ब बिठाए, लेकिन जब जीरंड को एंड के द्वारा किसी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब बैठता है। मतलब स्टैंडिंग इन द वाटर, स्टैंडिंग एक जीरंड है, स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज ए बैड आइडिया, तो वॉज ये सिंगुलर है, मतलब स्टैंडिंग खुद जीरंड है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ जीरंड के साथ हर वक्त सिंगुलर नंबर बैठेगा। लेकिन दूसरे एग्जांपल देखिए, स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड प्लेइंग फ्लूट आर माय हॉबीज। तो यहाँ पर स्विमिंग इन द पॉन्ड, स्विमिंग एक जीरंड है, प्लेइंग भी एक जीरंड है, दोनों को जोड़ दिया गया है एंड के द्वारा, तब ये सिंगुलर सिंगुलर मिलकर क्या होगा, प्लूरल हो गया, इसीलिए इसके साथ आर बैठा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कलेक्टिव नाउंस लाइक हर्ड, सीनेट, क्लास, क्राउड यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब फॉर्म। कलेक्टिव नाउंस जो होते हैं ना, जो हर्ड, सीनेट, क्लास, क्राउड, या फिर समझ लीजिए स्वार्म ऑफ बीज, फ्लॉक ऑफ शीप, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज, गैंग ऑफ रॉबर्स, ये सारे जो आप और भी है बहुत सारे जो कलेक्टिव नाउंस है उनको अगर आप अगर देखते हैं तो इनके साथ आपको हर वक्त सिंगुलर वाला वर्ब यूज करना है। 19 नंबर, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स, इनके साथ क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। किसी भी मूवी का नाम या फिर बुक का नाम इसके साथ सिंगुलर, सुल्तान इज ए मूवी स्टारिंग सलमान खान, तो ये सुल्तान जो मूवी है उसके उसमें सलमान खान जो है वो एक्टिंग किए हैं, तो सुल्तान यहाँ पर सिंगुलर है क्योंकि इसके साथ ये किसका नाम है, एक फिल्म का नाम है। ओके, कोई भी फिल्म का नाम, बुक का नाम, मूवीज का नाम, नॉवेल्स का नाम, ये सारे अगर हो तो इसके साथ सिंगुलर वाला वर्ब भी बैठेगा। 20 और फाइनल रूल, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रिमेंबर ओनली द सब्जेक्ट अफेक्ट्स द वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, इतने सारे नियम सीखने के बाद, 19 वाला नियम सीखने के बाद आपको याद रखना है कि ओनली वर्ब क्या करता है, जो आपका सब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा। अगर हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट में हम देखते हैं, पहला है द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज श्योर टू कॉज हिम एंग्जाइटी, द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ एस लगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब्स इसके हिसाब से इज यूज हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द एडवोकेट एंड डॉक्टर लिव ऑन द स्ट्रीट। यहाँ पर देखिए लिव जो है, लिव खुद एक प्लूरल है क्योंकि इसके साथ एस और ई एस नहीं है, एस वर्ब के साथ अगर एस और ई एस होता है तो ये प्लूरल होता है, साथ ही साथ सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर बेस्ड फॉर्म द वर्ब क्योंकि हमने एडवोकेट और डॉक्टर दोनों को यूज किया है एंड के द्वारा जुड़ा है, इसीलिए दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल, और इसलिए इसके साथ लीव सिंगुलर फॉर्म वाला यूज हुआ है, लीव्स नहीं हुआ। तीसरा वाला, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिकल रिफॉर्म्स वाज अपोज्ड बाय द एरिस्टोक्रेसी। तो ये सेंटेंस में जो
रेडिकल रिफॉर्म्स है, ये खुद एक सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज बैठा है। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये देखिए समझिए कि स्लो एंड स्टेडी, इसके साथ विंस क्यों बैठा है आप लोग खुद एनालाइज करके निकालिए। एंड से क्या होता है, एंड का नियम जो हमने दिखाया है उससे भाई समझो, नहीं बोलेंगे पूरा। आपको अगर पूरा वीडियो समझ में आया है तो ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही हैड हार्डली सेट डाउन व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर। नेक्स्ट, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 6 years नाउ। आई सॉ हिम 6 months एगो। वी वेयर यू फुलिश एनफ टू ट्रस्ट हिम। नो नंबर, आई विश यू वुड स्टॉप कंप्लेनिंग लाइक दिस, और अनलेस यू ओबे माई इंस्ट्रक्शंस यू विल बी किल्ड। तो ये सारे 10 मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पर रेड कलर में मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है सारे वर्ब्स को। इनके नंबर्स के हिसाब से आप इनको ढूंढ के, जो हमने लिस्ट पहले आपको दिखाया था उसके हिसाब से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने पूरा समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसे बिठाना है। अगर समझ में नहीं आया भाई दोबारा देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट करना भूलिएगा मत। आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।